जनपद व विकासखंड मुरादाबाद क्षेत्र के गांव गुरैठा के रहने वाले गौरव शर्मा गांव का विकास कार्य कराने के लिए चुनाव के मैदान में आ गए हैं। गौरव शर्मा ने बताया कि वह शिक्षित नव युवा हैं जिन्होंने एमए किया है, ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है। यदि वो चुनाव जीत गए तो गाँव में लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के लिए अपने कड़े प्रयास करेंगे। इस बार गाँव में जो विकास कार्य ग्राम प्रधान के कार्यकाल में पूरे नहीं किए गए उन सभी विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी योजनाएं आएंगी वह योजनाएं पब्लिक को लोगों को उपलब्ध कराएंगे। समर इंडिया के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव शर्मा और ग्राम गुरैठा और जिला मुरादाबाद। गौरव जी, जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है बनारस से, बीएचयू से। कदम जी, प्रधानी का मुख्य जो कारण है शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, जो विकास का जो गांव हमारे जो पूर्व जो प्रधान हैं जो कार्य उनके रुके हुए हैं, जैसे कि सड़कें इत्यादि खड़ंजा वगैरह ये जो हैं, तो इन पर कार्य करेंगे। गाँव में सफाई साफ सफाई इत्यादि हो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अन्यथा जो गरीब लोग हैं उन्हें जो समस्याएं हैं उनके समस्याओं के निवारण के लिए कार्य किए जाएंगे किया जाएगा। जैसे कि राशन की समस्या है, पेंशन की समस्याएं लोगों को अक्सर हैं, सड़कों की समस्या अक्सर हैं, मकानों की समस्याएं अक्सर हैं, ज़्यादातर लोग गरीब लोगों को पेंशन इत्यादि नहीं आ पाती, तो उनके लिए कार्य करेंगे। नजदीक वादों पर अमल किया जाएगा, जो वादे किए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। ईश्वर से यही कामना रहेगी कि वादे जो किए जा रहे हैं वो पूरे हों। मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है, ग्राम शेरपुर एतमादपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद का मैं रहने वाला हूँ। और यहाँ पर मेरी ससुराल है और ये मेरे साले का लड़का है जो प्रधानी के चुनाव में यहाँ खड़ा हुआ है उम्मीदवार पर। देखो, हमने इसको जो यहाँ लाने का प्रयास किया है वो इस विषय पे किया है कि ये बच्चा आने वाले समय में गांव के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को भली प्रकार बहुत अच्छे तरीके से करे, गरीबों का साथ दे, सड़कों का काम करे, कूड़े करकट जहाँ लगे पड़े हैं उनका काम करें, जो भी गरीब की समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। भाई ये हमारी इससे बहुत मतलब ये उम्मीद है। वादे नहीं रहेंगे बल्कि वादों पर अमल किया जाएगा, क्योंकि बच्चा शिक्षित है और पढ़ा लिखा है। अच्छी शिक्षा होने का मतलब है कि अपने समाज को अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई में, काम के कार्यों में बहुत अच्छी तरीके से उन पर ध्यान दिया जाए, यही इसके लिए भला भी होगा और इस कार्य को करने से इसकी वाहवाही होगी, यही हमारी कामना है जी। राम शर्मा कहाँ के रहने वाले? बुरा ठेले समर्थन तो हम साथ ही नहीं दे रहे हैं। बड़ा शर्मा, हमारा ये है कि आज तक जो काम है या सड़कें हैं नालियाँ हैं या कोई जैसे ये मकान है ये ना दिलवाए गए, तो हम भलेपन में सीधेपन में ये चाह रहे हैं कि हाँ कल को ये इस काम को करा पाऊँ। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि ये काम कराए जाए। मेरा नाम गंगा करण, ठीक है बच्चा ठीक है, निभाएगा अपना जो गांव की समस्या दूर करेगा। जानकारी है ज़्यादातर सड़कें बिल्कुल ही बेकार हैं, वास्ते कोई ही नहीं है। इसके अलावा ये पेंशनर हैं, गरीबों को तो परेशानी है ही, कोई सुनता ही ना गरीबों की।